तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं WBM रोड के बारे में। WBM की फुल फॉर्म क्या है? वाटर बोर्न मैकडम। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा वाटर बोर्न मैकडम WBM जो है वो दिया जाता है, शुरू से लेकर लास्ट तक हमें क्या क्या प्रोसीजर करना है और क्या क्या हमें इसमें इक्विपमेंट चाहिएंगे। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि इसका जो अगर क्रॉस सेक्शन अगर काटें हम तो उसमें क्या दिखेगा हमें। तो सबसे पहले दिखेगा हमें सब ग्रेड। सब ग्रेड के बाद होगी हमारी बेस कोर्स। बेस कोर्स के बाद हमारी होंगी फिलर मटेरियल से, उसके बाद जो है इस पे होगा आपका फिलिंग मटेरियल। तो इसको WBM क्यों कहा जाता है? तो ये माना जाता है कि एक स्कॉटिश इंजीनियर थे, जॉन लाउडन मैकडम। तो उन्होंने 1820 के आसपास जो है इसका आविष्कार किया, इसलिए इसको WBM कहा जाता है। तो हम क्या क्या इसमें प्रोसीजर करेंगे? तो सबसे पहले हमारे सबग्रेड को प्रिपेयर करना है, उसके बाद बेस कोर्स को प्रिपेयर करना है, उसके बाद इसमें हमें बाइंडिंग मटेरियल फिलर डालने हैं, उसके बाद जो है इसका फाइनल कंपैक्शन करना है हमें रोड रोलर से। वो कंपैक्टर भी हो सकता है और नॉर्मल वाला भी हो सकता है, बट कंडीशन एक ही होती है कि उसका जो है कैपेसिटी 8 से 10 टन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेवल मार्किंग करनी है, हमें ड्रेसिंग करनी है, उसके बाद में फिर ड्रेसिंग के बाद हमें इसकी सब ग्रेड को कंपैक्ट करके और फिर कोर्स एग्रीगेट स्प्रेड करके इसके ऊपर हमें बेस कोर्स तैयार कर देना है। उसके बाद हमारे फाइनल इसके ऊपर कंपैक्शन होगी रोड रोलर्स। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हम JCB से जो बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है एक्सकवेशन की वो हम कर लेते हैं, क्योंकि मैनुअली इतना पॉसिबल नहीं है। तो लगभग 4 से 6 इंच तक हम मैनुअली करेंगे, उससे ज़्यादा अगर होगा तो हम उसकी ड्रेसिंग जो है वो हमारी JCB से करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो उसके बाद जो है हमारा शुरू होगा कि लेवल लगाने का हमारा प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसके बाद हम जगह जगह पर लेवल के टैयर लगा देते हैं, लेवल के बेंचमार्क लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितने एक्सकवेशन जो है अभी और होनी है। तो जितनी हम JCB से कर सकते हैं उतनी करके उसके बाद फिर हम मैनुअली इसमें करेंगे अपनी ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग होने के बाद फिर हमारा काम शुरू होगा सब ग्रेड का, जो है उसकी कंपैक्शन शुरू कर देंगे हम रोड रोलर से। अच्छा, रोड रोलर से पहले थोड़ा सा हमें इसमें पानी डाल देना है ताकि हमारे मिट्टी अच्छे से कंपैक्ट हो जाए। तो आप जैसे देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से रोड रोलर जो है हम इसके ऊपर से घुमाएंगे, जितने भी लगेगा हमें कि अब हमारी मिट्टी उससे ज़्यादा कंपैक्ट नहीं हो रही है, तो उसके बाद फिर हम अगला प्रोसीजर चालू करेंगे, अगला काम अपना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार हमें 8 या 10 राउंड इसके ऊपर रोलर घुमा करके छोड़ देना है। उसके बाद फिर शुरू करेंगे हम जो हमारे कोर्स एग्रीगेट हैं उसको स्प्रेडिंग करेंगे। सबसे पहले तो स्प्रेडिंग करेंगे हम हमारी JCB से या कोई भी हमारा जो मशीन है उससे स्प्रेडिंग करेंगे, और उसके बाद जो है मैनुअली उसको हाथ से जो है जहाँ भी लेवल चेक करके जहाँ भी लेवल ऊपर नीचे होगा उसको हम मैनुअली जो है उसको फिर लेवल कर लेंगे, क्योंकि लेवल का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए लेवल का हमें बहुत ध्यान रखना है, हर स्टेज पे हमें अपने WBM का लेवल चेक करते रहना है। इससे हमारी थिकनेस भी पता लगेगी WBM की और हमारा जो स्लोप होगा पानी के लिए वो भी हमारा मेंटेन रहेगा। तो लेवल आपको ज़रूर चेक करते रहना हर स्टेज के ऊपर। तो ये देखिए, मैनुअली जहाँ जहाँ ज़्यादा होगा उसको लेवल के हिसाब से अपना ऊपर नीचे कर लेंगे। उसके बाद बारी आएगी इसके ऊपर हमारी जो है वो बाइंडिंग मटेरियल डालना। बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है? मुर्रम होता है जनरली, उसमें कुछ मिट्टी मिक्स होती है जो हमारी कोर्स एग्रीगेट को बाइंड अप करने के काम आती है। जैसे आप देख रहे हो, हमें इसमें बिल्कुल बारीक वाली जो हमारी मिट्टी है वो यूज कर और मुर्रम जो हो बिल्कुल उसके अंदर तक ताकि जॉइंट बनाए, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी मिट्टी होगी आपकी तो वो जो है लम्स बनाएगी और लम्स जो है वो अंदर नहीं जा पाएंगे और वो हमारे रोलर से चिपक जाएंगे। तो इसलिए हमें बारीक मिट्टी का इस्तेमाल करना है। और ये देखिए, इस तरह से हमें पूरी मुर्रम जो है और मिट्टी मिक्स जो है वो हमें पूरे रोड पर इस तरह से बिछा देनी है।
जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। पूरी तरह बिछाने के बाद फिर हमें पानी उसके ऊपर लगाना है, अच्छे से स्प्रिंकल करना है, और साथ साथ जो है हमारा रोलर उसमें काम करेगा। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से रोलर चलता रहेगा, साथ साथ पानी चलता रहेगा, और जो हमारा मुर्रम है, जो बाइंडिंग मटेरियल जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमारा जॉइंट्स के अंदर घुस जाएगा और उसमें बाइंडिंग जो है वो प्रॉपरली बनेगी हमारी कोर्स एग्रीगेट की, जिससे हमारा एक कंपैक्टेड जो हमारी सरफेस जो है वो तैयार हो जाएगी। और एक काम और करना है हमने कि हमें मिट्टी का जो है वो कंपैक्शन टेस्ट करवा लेना है सब ग्रेड का, कोर्स एग्रीगेट स्प्रेड करने से पहले, वो भी एक जरूरी पॉइंट है। और देखिए ये साथ साथ जो है पानी का चलना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम इसका वाटर बॉन्ड मैगडम है, पानी के बिना इसमें ज्वाइंट नहीं बन पाएंगे। ये देखिए ये कम पानी की वजह से इस तरह से जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा सूखा सूखा, और लम्स भी बन गया है यहाँ पर। तो पानी इसमें कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए। ये देखिए कम पानी की वजह से ये टायरों पे चिपक जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो पानी कंटिन्यूस चाहिए इसको, बिना पानी के ये नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये लेयर तैयार हो जाएगी, इसको हम बेस कोर्स बोलेंगे। बेस कोर्स के ऊपर अब या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, या इसके ऊपर क्या होता है, कोई लोग VDF करवा लेते हैं, उसके बाद इस पे हम बिटुमिन रोड भी बना सकते हैं। तो आप जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मेन हमारा ये है कि ये WBM हमारी ये बेस कोर्स तैयार हो जाएगी, और इसके ऊपर हम कोई भी जो है फिनिशिंग उसमें हम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, पानी साथ साथ चलता रहना चाहिए, तभी अच्छे से कम्पैक्ट हो पाएगी। और जो हमारा कम्पैक्टर है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 8 से लेकर 10 टन, 8 से 10 टन के अंदर वेट होना चाहिए। हम कम्पैक्ट जो वेटर कम्पैक्टर यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल वाला भी उसमें हम यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल सेटिस्फैक्शन तक हमारा कम्पैक्शन इसके अंदर होना चाहिए, और पानी साथ साथ चलता रहे। जब हम लगेगा कि हमारा जो है रोड में अब जो है फर्दर कोई भी एंडुलेशन नहीं आ रही है, मतलब रोड हमारा बैठ नहीं रहा है फर्दर, तो फिर हमें मानना है कि हमारी कंपैक्शन वो कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद इसके ऊपर फिर से दोबारा से कोर कटेगा, और कोर की फिर से चेकिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।